हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज अप कोचिंग क्लासेस। देखो, हम अभी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक ले रहे हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। और जब तक आपका ये बेसिक अच्छे से नहीं होता, हम रिएक्शन पार्ट पर कमांड हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए अपनी नोटबुक ओपन रखें और साथ ही साथ में जो हम सिखा रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते चले जाएं, ठीक है? तो ये हमारा फोर्थ वीडियो लेक्चर है। सबसे पहले हमने अल्किल ग्रुप और अल्केन क्या होता है और अल्किल ग्रुप क्या होता है ये पढ़े हमने। फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, उसका पार्ट वन। फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन IUPAC पार्ट टू। अब यहाँ पर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, जिसका पार्ट वन, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन सिस्टम ऑफ अल्कीन। अल्कीन के जो कॉमन नेम का जो सिस्टम है उसको पढ़ रहे हैं। तो अच्छे से आप इसको समझेंगे और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। Alkenes. Alkenes are aliphatic unsaturated hydrocarbon. Unsaturated है means double या triple bond present है. Aliphatic है means open chain compound है. तो open chain compound double या triple, लेकिन यहाँ पर alkene है तो alkene के लिए speciality है कि carbon carbon के बीच में double bond होना ही चाहिए. Carbon and carbon के बीच में डबल बॉन्ड, एटलीस्ट एक भी तो डबल बॉन्ड उस कंपाउंड में रहना चाहिए। तो उस कंपाउंड को क्या कहेंगे हम, अल्कीन का कंपाउंड। इट है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n। अब CnH2n देखो, ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है, CnH2n वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन आइटम। और हम यहाँ पर n की जो वैल्यू है यहाँ पे रखते जाते हैं, जैसे हमने अल्केन में किया था n इज इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा C1H2 × 1। तो C1 मतलब C, 2 × 1 CH2, ये हो जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 2, इसमें n की वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू हमने 2 रखा, तो C2H2 × 2, तो ये हो जाएगा C2, 2 × 2 = 4 C2H2। n इज इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा C3H2 × 3 = C3H6। Then n is equals to 4, C4H2 × 4 = C4H8। तो ये इसके जो फॉर्मूलेज हैं बनते जाएंगे। और यहाँ देख रहे हैं हम एक होमोलॉगस सीरीज फॉर्म होते जा रही है कि कार्बन आइटम 1-1 से इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन आइटम 2-2 से इंक्रीज हो रहा है ना। कार्बन 1-1 से इंक्रीज हो रहा है और हाइड्रोजन आइटम 2-2 से इंक्रीज हो रहा है। और जैसे अल्केन था, और अल्केन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अल्केन में मॉलिकुलर फॉर्मूला है CnH2n+2, मतलब 2-2 कार्बन में और एडम हो जाते हैं अल्केन में, और 2-2 हाइड्रोजन कम हो गया तो वो बन जाएगा अल्कीन। तो नेम भी हम वैसे ही देंगे कि अल्कीन है तो 1 कार्बन आइटम डिराइव फ्रॉम मीथेन, मीथेन ANE है तो यहाँ आ जाएगा ENE, तो नेम हो जाएगा इसका फिर मीथेन, ENE मीथेन। C2H4 2 कार्बन आइटम, अल्केन इथेन, क्योंकि पैरेंट जो है डिराइव जो हुए हैं वो अल्केन से ही हुए हैं, तो अल्केन से ही आपको नेम को डिराइव करना है तो आपको अल्केन की सीरीज याद होना जरूरी है। तो इथेन ANE को हटा दें, ENE लगाएं, तो ये हो जाएगा इथीन। नेक्स्ट नंबर ऑफ कार्बन 3 कार्बन, प्रोपेन से ANE को हटा के क्या लगाएंगे आप, ENE, तो नेम हो जाएगा प्रोपीन। देन नंबर ऑफ कार्बन 4 ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से आप लिखेंगे ब्यूटीन। तो इस तरीके से आपके पास में होमोलॉगस सीरीज आ जाएगी अल्कीन की। तो अब यहीं से आप डायरेक्टली वेरी नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कार्बन को 1 से इंक्रीज कर दो, C5, हाइड्रोजन को 2 से इंक्रीज कर दो, H10, C5H10। तो C5H10 5 कार्बन आइटम, अल्केन होता है पेंटेन, तो फिर अल्कीन कौन सा होगा यहाँ पर, पेंटीन, है ना। तो अब आगे के आप फॉर्मूले खुद ही डिराइव कर सकते हैं, तो देखते हो उसको अच्छे से। और कंडीशन क्या है इसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता ही रहता है। अब देखिए इसको, इसी के स्ट्रक्चर अभी हम लिखने वाले हैं। मीथेन को हम तो एज ए सब्स्टिट्यूट लेंगे, जब आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। अब देखिए फॉर्मूला इथीन का, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 2 कार्बन आइटम है, 2 कार्बन आइटम है और एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो 2 है तो डबल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा।
अब देखो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर 2 है और होती कितनी है 4, और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो मीन्स ये यहाँ पर इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगेंगे, मीन्स CH2, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे CH2, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया इथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए प्रोपीन नंबर ऑफ कार्बन है 3, 1, 2 एंड 3। अभी स्पेसिफिक हमको नेम नहीं है, मतलब पोजीशन नहीं पता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है, तो हम डबल बॉन्ड की पोजीशन कहीं भी लिख सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन को इंडिकेट करें तो इस कार्बन की वैलेंसी हो गई 2, 2 रिमेनिंग है तो यहाँ पे लग जाएगा CH2। नंबर ऑफ कार्बन सॉरी कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3, 1 वैलेंसी रिमेनिंग है, फ्री है, तो यहाँ लगेगा 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 1 है तो 3 वैलेंसी फ्री है इसकी, तो यहाँ पे लग जाएगा 3 हाइड्रोजन इस तरीके से, ठीक है। ब्यूटीन, ब्यूटीन कार्बन आइटम कितने हैं 4 है, और एक एक की भी देख लें आप कि जितने हमने हाइड्रोजन लगाए 3, 4, 5, 6 है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूरा फिट हो गया है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ब्यूटीन कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, तो 1, 2, 3 एंड 4, पहले 4 कार्बन की चेन बना लें, और नॉट स्पेसिफिक पोजिशन नहीं दी हुई है कि डबल बॉन्ड की पोजिशन कहाँ है, तो हम कोई भी एक पोजिशन को ले लें और यहाँ पर लगा दें डबल बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करें, 1 है, 3 वैलेंसी फ्री है, तो लिखेंगे हम CH3। ये कार्बन की 1, 2, 3, 1 वैलेंसी फ्री है, तो लिखेंगे CH। 1, 2, 3, 1 वैलेंसी फ्री है, तो लिखेंगे H। 1, 1, 2, 3 फ्री है, तो हम लिखेंगे CH3। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 को कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन से उसको कंप्लीट करते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब हमने हाइड्रोजन कितने लगाए हैं हाइड्रोजन के साथ में 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये फॉर्मूले में 8 हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन हमने पूरे यहाँ पर कम्प्लीटली अच्छे से उसको लगा लिए, तो ऐसे लिखे जाते हैं अल्किन के स्ट्रक्चर। तो अब आप देखेंगे 1 डबल बॉन्ड हर एक में प्रेजेंट है ही, तो अगर 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है कार्बन कार्बन के बीच में, पूरे कंपाउंड में अगर एटलीस्ट 1 भी रहता है, तो हम उसे कहेंगे एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ये देखें नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर 2 टाइप्स के नॉमेनक्लेचर होते हैं, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। तो यहाँ पर है कॉमन सिस्टम, कॉमन नेम ऑफ अल्कीन, या फिर ट्राइबल नेम भी कहा जाता है। रूल्स है काउंट ऑल द कार्बन आइटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, पूरे कंपाउंड में जितने कार्बन आइटम प्रेजेंट है उसको काउंट कर ले, एंड कंसिडर एज अ पैरेंट अल्कीन, पैरेंट अल्कीन कंसिडर कर ले। 3 कार्बन है प्रोपेन, 4 कार्बन है ब्यूटेन, 5 कार्बन है पेंटेन, जैसे वहाँ पे सीरीज लिखी हुई है उस तरीके से आपको अल्केन कंसिडर करना है। अल्केन कंसिडर करने के बाद उसका जो सफिक्स है ANE, इस ANE को रिप्लेस करना है किससे, YLENE से, तो ये हो जाता है फिर अल्किलीन, अल्केन से हो जाएगा अल्किलीन, जैसे ब्यूटेन से ब्यूटीलीन, पेंटेन से पेंटेलीन, हेक्सेन से हेक्सिलीन, ऐसे नेम हो जाएंगे। इन अ स्ट्रेट चेन इंडिकेट द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड बाई ग्रीक लेटर अल्फा बीटा गामा, अगर स्ट्रेट चेन है तो डबल बॉन्ड की पोजिशन को इंडिकेट करना है अल्फा बीटा गामा से, और अगर ब्रांच्ड है तो प्रीफिक्स यूज करना है आइसो और नियो। तो आपको अल्केन की कॉमन नेम पता है कि जब एक मिथिल की ब्रांच होती है तो आइसो यूज करते हैं, और 2 मिथिल की ब्रांच होती है तो नियो यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ जाएंगे, तो देखें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 CH3 CH2 CH double bond CH2, काउंट ऑल द कार्बन आइटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है, कौन सा अल्केन होगा, ब्यूटेन, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर ब्यूटेन। देन अप्लाई द सेकेंड रूल, ANE को हटा देना है, ANE को हटा देना है, और इस ANE की जगह लगाना है YLENE, YLENE, ब्यूटीलीन, ठीक है। फिर इनर स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन है बिना ब्रांच का, तो इंडिकेट करना है पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहाँ से करीब है, लेफ्ट से कि राइट से, लेफ्ट से तो थर्ड पर आ रहा है और राइट से फर्स्ट पर आ रहा है, तो जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है वहाँ से ग्रीक लेटर्स में आपको डबल बॉन्ड की पोजिशन को इंडिकेट करना है, ठीक है। तो राइट साइड से
ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है अल्फा मतलब ये पहले पर ही है, तो 1 2 3 ना देके हम अल्फा बीटा गामा देंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पे है मतलब ये हो गया अल्फा, तो यहाँ पर हम प्रीफिक्स यूज करेंगे अल्फा स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड की पोजीशन, तो ये नेम क्या हो गया इसका अल्फा ब्यूटिलीन। आई में समझ रहे इस एग्जाम्पल देखो इसकी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑल कार्बन आइटम 1 2 3 4 4 है मीन्स ब्यूटीन, ओके। AN इज रिप्लेस बाय YLENE, तो नेम हो गया इसका क्या ब्यूटीलीन, है ना। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन लेफ्ट से दो या राइट से दो, सेकेंड पर ही आ रही है, इधर से भी सेकेंड है इधर से भी सेकेंड है, तो आप देते हैं यहाँ पे पहला मतलब पहला नंबर को आप कहेंगे अल्फा, सेकेंड को कहेंगे बीटा, तो बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा बीटा ब्यूटिलीन। ये स्ट्रक्चर देखिए, इसको नेम लेना है आपको, क्या करना है आपको पूरे कार्बन काउंट कर लो कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 फाइव कार्बन है, कौन सा लिखेन है पेंटेन, AN को हटाना है लगाना क्या है YLENE, तो नेम क्या हुआ इसका फिर पेंटिलीन, है ना। देखो अगर आपको पूरा अच्छे से समझ में नहीं आया तो पहले पूरा पेंटेन लिखो फिर AN को यहाँ से हटा दो सफिक्स को और इसकी जगह आप लगाएंगे YLENE, तो नेम क्या हो गया पेंटिलीन। लेकिन स्ट्रेट चेन है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ से इंडिकेट करना है आपको नियरर टू द डबल बॉन्ड, नियरर टू द डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से, यहाँ पर पहले पर डबल बॉन्ड है और इधर राइट साइड से लेंगे 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो जहाँ से करीब है वहाँ से नंबर ले लो, तो अल्फा पर डबल बॉन्ड है इसलिए प्रीफिक्स क्या लग जाएगा अल्फा पेंटेन, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अल्फा पेंटेन, दिस इज कॉमन नेम। ये स्ट्रक्चर देखो, अब ये स्ट्रेट चेन नहीं है, यहाँ पर आ गई अब एक ब्रांच, देखो 1 2 3 4 तो पहला तो कॉन्सेप्ट सेम लगेगा कि काउंट ऑल द कार्बन आइटम इन अ कंपाउंड एंड कंसिडर एज अ पैरेंट अल्केन, तो 1 2 3 4 4 कार्बन है मीन्स ये हो गया ब्यूटेन, तो चलिए हम लिख देते हैं क्या ब्यूटेन, ठीक है लिख देते हैं यहाँ पर ब्यूटेन। और फिर AN को रिप्लेस करते हैं इससे YLENE से YLENE ब्यूटिलीन। अब ये स्ट्रेट नहीं है मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगना है, ब्रांच है, अब ब्रांच में प्रीफिक्स लगेगा आइसो या नियो, तो अब यहाँ पर कौन सा हम यूज करेंगे आइसो, क्यों आइसो क्योंकि सेकेंड कार्बन पे एक मिथिल की ब्रांच है, अगर एक मिथिल की ब्रांच होती है तो हम यूज करेंगे प्रीफिक्स आइसो, तो नेम हो जाएगा इसका आइसो ब्यूटिलीन। फिफ्थ एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर पूरे कार्बन काउंट करें कितने कार्बन है इस कंपाउंड में 1 2 3 4 5 6 सिक्स कार्बन है मीन्स हेक्सेन, हेक्सेन का AN हटा दो लास्ट का और लगाना है आपको YLENE, नेम हो गया इसका हेक्सेन। अब स्ट्रेट तो है नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ब्रांच है तो ब्रांच कितनी ब्रांच है यहाँ पर टू ब्रांचेस है, तो टू ब्रांचेस है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है कौन सा प्रीफिक्स लगेगा नियो, तो नियो हो जाएगा यहाँ पर इसका नियो हेक्सीन, तो प्रीफिक्स यूज करेंगे हम यहाँ पर नियो क्योंकि यहाँ पर टू ब्रांचेस है, अगर कोई ब्रांच नहीं है तो हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट अल्फा बीटा गामा का स्ट्रेट चेन में, और अगर ब्रांच है तो अगर वन ब्रांच है तो आइसो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और टू ब्रांच है तो नियो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आया समझ में? ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इनके नेम ट्राई करिए जैसे हमने कॉन्सेप्ट बताए थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में, और आपको इनके करेक्ट नेम देना है, और कौन सा नेम देना है आपको कॉमन नेम देना है।